अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। साइंस वर्सेज इस्लाम वीडियो है और एक मौलाना साहब हैं जो कि बहस कर रहे हैं हमारे एक यूट्यूबर से। आइए मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। इंटरनेट नहीं चलाना चाहिए यार, जब आप नंगे चीजें देखेंगे तो माहौल ऐसा बनेगा ना भाई। देखिए हमारी इंसान की जो सोच होती है ना, इंसान उसी चीज को पिक करता। मल साहब तो नहीं, आप कलम कलम को क्यों यूज करते हैं? पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन को क्यों यूज करते हैं? पेन जो है ना उसके ऊपर नंगी चीजें कोई नहीं है। सही, पेन को अगर खराब, अगर अपने सुने ना, एक औरत को आप उसमें मैसेज लिख के भेजे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी मोबाइल पे भी लिख सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी पे भी लिख सकते हैं। दीन की करें, इन बच्चों का क्या जुर्म है, इनका क्या कसूर है? ये मुसलमानों के लड़के हैं ना, ये बच्चे मुसलमानों के हैं, तो इनको दीन की दावत कौन देगा? कर रहा इंडिया तरक्की कर रहा है, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा, हम क्यों सवाल के शिकार है? हमारे ईमान की कमजोरी है। हम देखते हैं बड़ी गाड़ी वाले को, ठीक है, बड़े बड़े महल वाले को, उस नबी के खिलाफ है। आज दाढ़ी वाला जो है ना उसको हम बुरा देखते हैं, कोट और पैंट और टाई वाले को कहते हैं कि क्या बात सर, बुरा बनाया। मैं माजरत के साथ एक बात बताऊंगा, हम मैं और आप चलते हैं मार्केट के अंदर चलेंगे, जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी, नमाज पढ़ता होगा, उसका इखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी उससे बुरा होगा। क्यों ऐसा? दीन उसका नहीं है दाढ़ी वाले का, मसला तो यही है। आप उससे अच्छे हो जाएं, मसला तो यही है। क्यों आपने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कुछ पाकिस्तान के अंदर इतने कट्टर लोग हैं जिनका ये मानना है कि इंटरनेट को बैन कर देना चाहिए, इसको चलाना ही नहीं चाहिए, और जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है सब इस्लाम के खिलाफ काम करती है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो डेली स्वैग का है, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखें। आज अमेरिका तरक्की कर रहा, इंडिया तरक्की कर रहा, हिंदुओं का मुल्क है ना, तरक्की कर रहा, हम क्यों सवाल के शिकार है? हमारे ईमान की कमजोरी है। हम देखते हैं बड़ी गाड़ी वाले को, ठीक है, बड़े बड़े महल वाले को, ठीक है ना, हम ये नहीं देखते कि ये बंदा कौन है, नमाजी प्रेज़ी है, क्या है ये हम देखते हैं कि ये भाई जो है ना, ये इसका बड़ा बंगला, इससे बड़ा बंगला मेरा हो जाए। बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमारे नबी के बंगले थे, नबी ने जिसके पास बंगले थे उनको मना किया। मेरी सुनो ना, जिस नबी ने शिफात की है, आप और मैं उस नबी के खिलाफ है। आज दाढ़ी वाला जो है ना उसको हम बुरा देखते हैं, कोट और पैंट और टाई वाले को कहते हैं कि क्या बात सर, बुरा बनाया। मैं माजरत के साथ एक बात बताऊंगा, हम मैं और आप चलते हैं मार्केट के अंदर चलेंगे, जिस बंदे ने दाढ़ी रखी होगी, नमाज पढ़ता होगा, उसका इखलाक और उसका रवैया दूसरे जिसने दाढ़ी और बगैर पैंट शर्ट पहनी उससे बुरा होगा। क्यों ऐसा? दीन उसका नहीं है दाढ़ी वाले का, मसला तो यही है। आप उससे अच्छे हो जाएं, मसला तो यही है। क्यों आपने दाढ़ी? मेरे नबी की सुन्नत रख के, मेरे नबी का सुन्नत रख के क्यों आप इखलाक के इतने खराब हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दीन का पूरा जो जुज है वो इखलाक है। जी जी जी, बात ये है कि जब हम बंदे को देखेंगे ना, तो हम तो घर से हम मस्जिद भी नहीं जाएंगे, हम तो वुजू भी नहीं करेंगे, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि हम फिर गुसल भी नहीं करेंगे। बंदे का दीन नहीं है, नहीं है। दीन अल्लाह का है और उसके रसूल का, शिफात अल्लाह के नबी करेंगे क़यामत के रोज। हम बंदों के पीछे लगे, ये दाढ़ी वाला ऐसा, दूसरा दाढ़ी मोन ऐसा, दाढ़ी मोन और गैर मुस्लिम जो है ना, हमारे नबी, मेरी सुने ना, बात करने दे, आपने कैमरा ऑन किया तो बात तो करने दे ना। हमारे नबी ने गैर मुस्लिम को ना मस्जिद नबी में ठहराया, क्यों? आपने फरमाया आज हम तबलीगी जमात को दूसरे को नहीं जाने, नहीं जमात को छोड़ दें जी, तबलीगी वालों को छोड़ दें। जो बंदा दीन का काम कर रहा है ना वो हमसे अफजल है। जो बंदा गैर मुस्लिम है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसके ऊपर ना कोई क्लेम ना करें, अगर ये कलमा पढ़ लेगा ना तो ये आपसे आगे चला जाएगा। गैर मुस्लिम आपके गाड़ी लेने आता, आप उसकी गाड़ी नहीं बेचोगे? नहीं, हम बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, उसको बताएंगे। अच्छा, ये एक्सीडेंट मुसलमानों की गाड़ी? नहीं 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 नहीं, उसको पता है ये मुसलमान गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, मुस्कुराए ना, बात का जवाब दे। हमें उससे बताना चाहिए ये गाड़ी एक्सीडेंट है, गाड़ी के इतने पीस टचअप है, इसके इंजन के अंदर ये प्रॉब्लम है, मामला ठीक हो जाए। आपकी बातों में 100%, आपकी तकरीबन 90% बातों से मैं आग्री करता हूँ। आपने जो लास्ट में ये बात की कि हमें
गैर मुस्लिम के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। सर ये दुनिया की बात, सर ये दुनिया बजरिए मुशक्कत है, आप समझते क्यों नहीं है? दुनिया की अगर आप अगर दुनिया की आबादी देखेंगे तो जो नॉन मुस्लिम है जो कि आपके मुल्क को चला रहे हैं, जो कि जो अमेरिका आपके मुल्क को चला रहा है, जो 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 अमेरिका आपके मुल्क के ऊपर चला रहा है, जो इन सारे लोगों के मुकद्दर लिखे हुए उसने, समझ रहे? एक वो एक इतना कर्जाई किया हुआ आपको कि अगर वो चाहे, आप कहते हो कि हमने एटम बम बनाया, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दुनिया में, दुनिया के अंदर आप सुन लेंगे ना, मैं आपको सुनने ना टाइम दिया ना आपको, दुनिया के अंदर जब तक आप अपनी अपने, जब अल्लाह ताला ने आपने कहा कि दुनिया में सब कुछ हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ा छोड़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया के अंदर जो बीज बोगे उसी का फल दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, उस वो वाला काम कर रहे हैं कि जो कि हम देखें, हम कहते हैं कि फलस्तीन के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, हम क्या कर रहे हैं ऐसा मुस्लिम? आप बताएं, टेक्नोलॉजी के अंदर तो आप कह रहे हो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह के साथ दुनिया के अंदर रहने बका अपने बका के लिए काम भी तो करना चाहिए। आज दुनिया टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर गई है, लोगों ने एटम बम बनाए, आप अगर एटम बम ना बना के अल्लाह का रजा के लिए तलवार लेके जाते, वो आगे से बम चलाते, आपका बका होना था? मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने, सुनाए जी, कितने मसाइल है मुसलमानों के ऊपर, बहुत ज्यादा मसाइल है, ठीक है ना? अभी ये तालिबान है ना जी, ये 2011 में इनके ऊपर मसला आया था ना जी, ये क्या करते रहे हैं? ये अल्लाह से मांगते रहे, एक मस्जिद यहाँ है हमारी जी, एक मस्जिद ये है जी, ठीक है ना जी। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह अकबर जब होती है, मुअज्जिन पुकारता है तो कितने लोग जाते हैं? बस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह जब तू नाराज होता है या अल्लाह तो तेरी क्या निशानी है? आपने फरमाया मैं बेवकूफों को हुक्मरानी दूंगा, बगैर मौसम के बारिशें दूंगा, ठीक है? मेरी बात सुने, अगर हमारी मस्जिद फुल हो गई तो हमारा निजाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो हम नाम के मुसलमान रह गए हैं भाई, हम काम वाले बने, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के ना जो हुक्म है ना उसको सब पता है हर बंदे को। आप पूछ लें अल्लाह दो है, यकीन करें हमें मार देंगे वो, तो पागल हो गया है। अल्लाह तो एक है, हर बंदे को पता है ना मीर साहब। अच्छा हमें आप ये बता दें कि अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका जिस बंदे ने छोड़ा है वो कामयाब नहीं होगा। कितने सैन में थे आप, छोटे मैं बड़ा हूँ, ठीक है ना, कितने सैन में थे वो, सैन में वाले क्यों नहीं कामयाब हुए? उसकी वजह क्या है कि ये कुरान की नजर में कामयाबी कुरान के खिलाफ है। जो बंदा अल्लाह का हुक्म और नबी के, कल हम कहें कि हमें तो जो पता नहीं था, ओ भाई अल्लाह ने किताब भेजी है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के लोग भीख मांगते हैं, पूरी दुनिया के अंदर बेइज्जत होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर फ्रॉड करते हैं, और उसके बाद में तुम कहते हो कि भैया तुम सबसे अच्छा। अच्छा एक बात और नोट करिए, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि अगर सब लोग पूरा पाकिस्तान एक समय पर चला जाए और नमाज पढ़ ले तो पाकिस्तान के सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, और वो जो पाकिस्तान है वो पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर बने। अब ऐसे मानसिक पीड़ित लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं और दूसरे को जब आगे बढ़ता देखते हैं तो कहते हैं अरे ठीक है आगे बढ़ गया तो क्या हो गया, हमारे पास ये है वो है। वही बात है, जो आगे बढ़ नहीं पाता तो वो बहाना बनाने लगता है, और वही बहानाबाजी ये जो मौलवी है पाकिस्तान का ये कर रहा है। दुनिया भर की कहानी बताते हैं, पहले की कहानी बताएंगे, कहेंगे इंटरनेट बुरा है और जो नॉन मुस्लिम है हमारे दुश्मन है, इनके साथ हमें कोई बैठना नहीं चाहिए, व्यापार नहीं करना चाहिए, इन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है वो खराब है, लेकिन उसी टाइम मोबाइल निकाल कर कहते हैं कि भैया हमारा फोन आ रहा है और हमें जल्दी जाना है। तो ये ऐसे लोग हैं जो सब चीजों का फायदा उठाते हैं, उसके बाद में उन्हीं चीजों की बुराइयां करते हैं, और ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, यहाँ तक कि जो मदरसे होते हैं उनके अंदर जो लड़के होते हैं उनसे भी यौन शोषण के मामले कई सारे आते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आते हैं, दुनिया भर के जहां पर भी हैं वहां पर भी आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, उनके ऊपर कभी बात नहीं करेंगे, इनसे जब भी आप बात करेंगे तो जो भी पुरानी कहानियां हैं वो बताने लगते हैं और उनके ऊपर कभी अमल नहीं करते हैं। मतलब खुद जो है दूसरे को ज्ञान देंगे लेकिन खुद अपने ऊपर जब अप्लाई करने की बात आती है तो कह देंगे कि भैया ये हमसे नहीं हो पाएगा। मतलब दोगला पर इनके खून के अंदर बसा हुआ है, और इसी वजह से ये पाकिस्तान जो है ये हमेशा ऐसे ही भीख मांगता रहेगा। और इस तरीके के जब लोग रहेंगे तो ये निकम्मे लोग जो होंगे ये पाकिस्तान के अंदर कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इनके लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत साल पहले ही आज तक ये फंसे हुए हैं, ये आज के समय में जी हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मौलाना वर्सेस साइंस, और साइंस बात यह है कि इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, तो मौलाना साहब कहते हैं कि उस पर नंगी चीज़ें आती हैं इसलिए नहीं चलना चाहिए, और जेब में मोबाइल रखा हुआ है, और बड़ी तो बटन वाले से भी हो जाती है, बड़ी मुनाफ़कत
इतनी बड़ी हमारे यहाँ जहालत, और यकीन माने ये नंगी जो गंदी चीज़ों जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये सर्च करने वाले ये मौलाना साहब खुद होंगे, और इस जैसे जितने भी होंगे ये मैं गारंटी और दावे से कह सकता हूँ, ये इस्तेमाल करते हैं मज़हब का नाम, मौलवियों का नाम, दाढ़ी का नाम, बदनाम करने के इन्हीं की लोगों की वजह से ये सब कुछ बदनाम हो रखा है। और यकीन माने जो जो कुछ वितना ये लोग फैलाते हैं और दुनिया पना दुनिया की पना जितनी कट्टर और जितनी कड़वी सोच इन लोगों की होती है, जितना भी मज़हब की आड़ में छुपने वाले लोग होते हैं, आम इंसान की उतनी हो ही नहीं सकती, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। लेकिन ये फिर भी अब इन बच्चों का कसूर क्या है, इनको क्या है, ये दीन से दूर करा जा रहा है, तो दीन का आज जितना भी अगर काम है वो खुद इस पे घुसा पड़ा है, मौलाना साहब इंटरनेट पे घुसा पड़ा है, उसके बगैर चल ही नहीं सकता आपका ये जो दीन का काम जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये है कि मज़हब का नाम और उसके पीछे छुपना, ये हमारी सबसे बड़ी और आदत है, और जितना भी गंद मचा लो छुप जाओ मज़हब के पीछे, मज़हबी टच यहाँ हमारे वज़ीर आज़म साहब देते रहे हैं तो ये मौलाना का क्या बात है, खुद भी ये मज़हब के पीछे छुपते हैं और लोगों को भी बिगाड़ का शिकार बनाते हैं। आज दुनिया आसाइश की तरफ बढ़ रही है, दुनिया में टेक्नोलॉजी और उस पर देखें यूरोप का मुआशरा क्यों आज तरक्की कर रहा है, तरक्की कर चुका है, क्यों वो ऐसा खुशहाल नज़र आता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की है, साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया है, उन्होंने फजूल बातों को छोड़ा है, और आज वो देखें ऐसी ऐसी इजादात कर दी है उन्होंने दुनिया के लिए कि हमारे साइंस के लिए, हमारे लिए सब कुछ और दुनिया भलाई के लिए। मैं कहता हूँ एक दिन मैं सोचा कि ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई अंग्रेज़ ने, गोरे ने, वो कहता कि भाई इसको सिर्फ हमारे ही मज़हब के लोग इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे मज़हब को इजाज़त नहीं, तो यकीन माने आज जितना भी ये मज़हब का रोना रोने वाले हैं पत्थर के दौर में, अंधेरों में, लालटेनों में, शायद वो लालटेन भी किसी उधर से बनाई हुई किसी बंदे की आ गई होती और उसमें गुजर बसर कर रहे होते, क्योंकि हमने क्या बनाया है, हमने कुछ भी नहीं, हमने सिर्फ नफ़रत सिखाई है मज़हब के नाम पर, और उसी को आज भी लेकर चल रहे हैं। ये गंदगी अब हमारे जहनों से साफ़ करने की ज़रूरत है, इन मौलवियों के जहनों से साफ़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा डेली स्वैग वाले भाई ने, मार्केट चले जाते हैं, जितनी कट्टरपंथा किसी दाढ़ी वाले नमाज़ पढ़ने वाले बंदे में होगी वो दूसरे आम बंदे में नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही दुनिया का अजीम तरीन आदमी समझना शुरू कर देता है कि हाँ मैं तो मोमिन बन गया हूँ, मुझसे तो अच्छा अब कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे है कि देखें कि एक चीज़ समझाने की है कि भाई अगर यूरोप मालिक जितने भी हैं उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपने हाथ में लिया है, मेहनत की है, तो उन्होंने तरक्की की है, क्या उन्होंने अपने मजहब को छोड़ दिया है? उन्होंने साइंस और जब इनसे पूछे तरक्की मजहब से दूरी है जी, मजहब से दूरी क्या लॉजिक है यार? देखेंगे वो उन्होंने तो अपने मजहब को नहीं छोड़ा, उन्होंने तो इतनी तरक्की की है, इतनी वो पूरी दुनिया पे जो है कह लो कि हर एक चीज जो है उसमें जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं, आगे वो हैं सब हर चीज से, किस लिए उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को अपनाया है। हम कह रहे हैं कि हमने जो है वो दीन से दूरी इख्तियार कर ली, क्या उन्होंने अपने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है? उनका जो दीन है वो तो नष्ट हो गया होगा जितनी उन्होंने साइंस की में तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर ली है, लेकिन यही चीज़ें जब तक हमारे दीन से नहीं निकलेंगी तब तक हम भी इस चीज़ में जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मेहनत तो हमने करनी ही नहीं ना, मेहनत वाली साइड पर हमने आना ही नहीं है। बच्चों को भाई इंटरनेट बंद करो, बच्चे इसका मुस्तकबिल आप खराब कर रहे हो, आओ अपनी जेब में जो इतना वो जैसे कहते हैं पंजाबी में चित्र जितना जो मोबाइल अपनी जेब में लटकाया हुआ है, लेकिन देखेंगे आपने ये फ़ोन रखा है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं आपने करनी, ना इंटरनेट इस्तेमाल करना है, तो बटन वाले मोबाइल से भी आप जो है वो फ़ोन कर सकते हो भाई, फोन ना भी करें तो फिर आपको किसी को मैसेज करने की क्या ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? हाँ आप कहीं जा रहे हैं पीछे से कोई मर गया है उसको खुद ही दफना देंगे, पीछे से पुराने दौर में चले जाएं, तो चीज़ें यही है कि इन्हीं जैसे उलमा कराम जो हैं सारों को मैं नहीं कह रहा, इन जैसे जो हैं उन्हीं की वजह से आज हमारे जो मुस्लिम देश हैं जितने भी 57 इस्लामी ममालिक हैं वो इसी के लिए 100 नहीं 200 साल पीछे हैं कि हम जो है ना इलम की तरफ नहीं गए। अब देखिए दीन से दूरी है जी, दीन से जब नज़दीकी कैसे आएगी, वो इलम से ही आएगी, जब हम इलम हासिल करेंगे खुद को काबिल बनाएंगे तब ही आएगी, फिर ही हमें पता चलेगा कि दीन हमें क्या कह रहा है। इलम हासिल करेंगे तो फिर हम सबसे बड़ा बड़ा मसला क्या है कि हम अजमी हैं, सवाए जो खलीजी ममालिक हैं
उनके अलावा जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो अजमी हैं। तो अजमी जो है ना वो अब उनको समझ ही नहीं है कि अरबी के अंदर उनके साथ क्या मुखातब किया जा रहा है। तर्जमे के साथ हमने जो है ना वो पढ़ना नहीं किया, समझना नहीं है वो क्या कहा जा रहा है। तो अगर हम तर्जमे के साथ पढ़े, इन मौलाना ने भी अगर तर्जमे के साथ पढ़ा होता तो ये फिर टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात ना करते, तो ये इनको पता होता कि भाई हमें कहा गया है इलम हासिल करो, इलम का मतलब टेक्नोलॉजी का नाम ही ले लें, ये भी टेक्नोलॉजी जो है ना ये भी इलम ही है। तो इलम हासिल किया है तो उन्होंने ये सब कुछ बनाया है। अगर उन्होंने वो भी इलम हासिल ना करते और हमारी तरह वो कहते हैं कि भाई बस हमने लकीर के फकीर ही बनना है, हमने उसी दौर में रहना है, तो आज हम इस्तेमाल भी वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम वो जो है ना उसके ऊपर फतवे भी लगा रहे हैं। तो इन फतवा फैक्ट्रियों ने ही हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अब आवाम जो है जो नौजवान है वो इनकी बातों में नहीं आते। दुनिया भी समझ चुकी है कि भाई सिर्फ दीन दीन की बात करने के ऊपर अपनी नाकामियों को छुपाना अब नहीं छुप सकती, अब आपको इलम हासिल करना ही पड़ेगा। अब आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी नस्लें भी इस्तेमाल करेंगी, तो यही चीज़ें हैं कि क्या हम अब अपने आप को काबिल बनाने की तरफ नहीं सोचते। भाई ये बच्चे हैं जी, ये मुसलमान बच्चे हैं जी, ये दीन की तरफ कैसे आएंगे? तो भाई ये टेक्नोलॉजी से ही दीन की तरफ आ सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने दीन को सिखाने की कोशिश करोगे तो ये मुसलमान बच्चे नहीं, और भी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो दूसरी दुनिया के भी मुसलमान हैं उनका भी भविष्य समझ सकता है। लेकिन अगर अपने आप को आप काबिल बनाओगे दुनिया के अंदर, पहले अपने आप को अमल करना पड़ेगा, फिर आप अपनी बात जो है दुनिया तक पहुंचाओगे इसी टेक्नोलॉजी के जरिए, तो दुनिया फिर उस पर अमल करना शुरू कर देगी। क्योंकि आज अपनी जो बात है आप दुनिया तक पहुंचा सकते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, दुनिया तक पहुंचती है। लेकिन हम कुछ करना ही नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा खुद ब खुद ही ठीक हो जाए, बस ये आएगा मौजज़ा होगा, कोई करामत होगी और ये सब कुछ हो जाएगा। तो भाई मौजज़े करने के लिए भी पहले अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। कुछ चंद लोग जो होते हैं वो मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, फिर वो उनकी मेहनत की खातिर जो है ना वो मौजज़े हो जाते हैं कि चलो बाकी सारे जो निकम्मे हैं यही मेहनत कर रहे हैं, इन्हीं की मेहनत के सिलसिले में इनको भी दे दिया जाए तो हिसाब बाद में देखा जाएगा। लेकिन जब सारी कौम ही जो है ना वो निकम्मी निठल्ली हो जाए, वो इलम हासिल ही करना ना चाहे, वो आगे बढ़ना ही ना चाहे, तो फिर कैसे जो है ना उनको बनाने वाला भी उनको आगे बढ़ा सकता है? तो अपनी हालत खुद बदलनी पड़ती है, कोई दूसरा आकर बदलता नहीं है। लेकिन इन उलमा कराम को कौन समझाए, इन मौलवियों को कौन समझाए? लेकिन जो चंद कोई काबिल जो उलमा हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। देखिए अगर सोचें आज जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके पास टेक्नोलॉजी के लिए अपनी इजादात के ज़रिए क्या चीज़ है, तो कुछ भी कुछ नहीं। तो उसके पीछे फिर सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जितने ये मौलवी उलमा कुराम हैं ये लोगों को डराते रहे हैं कि साइंस ना पढ़ना और उसकी तरफ ना जाना, गुमराह हो जाओगे और यही गुमराही आज तुम्हें आप देखिए ना कि यही मौलाना कराम हैं जो जाते हैं दूसरे ममालिक के साथ, उनको गाइड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और अपने मदरसों के लिए मोटे मोटे जो है ना वहाँ पे ज़का सदका चंदे लेकर आते हैं। और अगर ये अपने आप को काबिल बनाते तो ये उनको इस तरह भी मोटिवेट कर सकते थे कि भाई हम अपने मदारस में ये देखिए ये नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, बच्चों को सिखाएंगे तो आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चे हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जब हमारी तरजीह हाथ में ही नहीं है टेक्नोलॉजी कैसे जा सकते, बच्चों को लगाया हुआ है जाओ रोटी मांग के लाओ, जहाँ से बड़ा बेहतरीन सालन रोटी आएगी वो खुद के लिए खा लेंगे और बच्चे, और क्या उनका भविष्य होना है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।